देखो ट्रीटमेंट है तो वो सामान लेके आया हूँ मैं। ये देखो तो प्रमोशन करन लग जानी रिश्ता में भाई काम तो ठीक है घर पे सा यार। राम राम भाई सारा ने एक और नए ब्लॉग में दर सारा को स्वागत है। उम्मीद करा हम सारा ठीक ठाक होगा, मौज में होगा, मस्त होगा। टेम हो गया भाई 9:30 और ये मनाइए चाह, पहली चाय आई वे उठे ही हाँ। और आज किन्ने नाका जानो है नाका ही फ्लाइट है थाने दिखा दें किन्ने किन्ने घूमा आज। और हमारे काका श्री बंसी पधार चुके हैं सुबह सुबह। राम राम काका। और आपकी तबीयत डाउन है थोड़ी थोड़ी, क्या दिक्कत हो रही है? बुखार हो रखा है? आप कैसे हो? आप बताओ। आप में कमजोरी नहीं है ना? एम फुर्ती ज्यादा है, कमजोरी का नहीं। तो बंसी थोड़ी तबीयत डाउन हो रही थी, जब भी रुक्यो मैं काल नहीं तो काल ही घरा जावा। तो आज बंसी को थोड़ा चेकअप करवाना भाई, के दिक्कत के कारण बुखार चढ़ा है, कई बार चढ़ जाए भाई, या फिर मौसम चेंजिंग का कारण चढ़ा है फिर वहीं। तो आज सारा चेकअप करवा दिया बंसी को, आज पंडो छुट्टी हो बंसी। चलो तो भाई टाइम हो गया 10 बज गया और ये पापा चलांगा हॉस्पिटल में, क्योंकि बंसी को चेकअप करवाना है। तो 10 बजे डॉक्टर आया कराए तो पापा चलांगा। मैं नहाई धोई कर ली है तो पापा लेट कौन करा, क्योंकि दोपहर होने ला रहे फिर। तो बंसी को चेकअप करवा के फिर आगे दिखावा के कुछ है दिक्कत है। बाकी मन ने तो कोई दिक्कत लगी को नहीं, बाकी थाने भी कोई दिक्कत को लगा। देखो हंस दो चेहर है तेरे, कड़े बीमार हो रहे यार। देखो क्यों डॉक्टर आंगन जाओ, डॉक्टर आंगन न जाए इतना ही दिन ठीक हो है। बाकी चलो बैम हो रहे तो आज बैम की दवाई लिया के जाएंगे थोड़ी बहुत। तो चलो अभी डॉक्टर कन और फिर मिला के कुछ रिपोर्ट आओ। तो भाई टाइम हो गया 12 बज गया और हॉस्पिटल में आ गया आप बीच में, क्योंकि पर्ची कटवा गए ने तो आज वो डॉक्टर थोड़ा लेट आओगे हॉस्पिटल में। जा रहे स्वामी राम राम। राम राम भैया और सब बढ़िया। आज क्या बना रहे हो? वैसे आज बना रहे हैं बैंगन का भरता। क्या बना रहे हो? बैंगन का भरता। बैंगन का भरता। हां भरता, भरता भी बोलते हैं, भरता भी बोलते हैं, भरता भी बोलते हैं, दोनों ही लैंग्वेज में। गांव गांव की भाषा में भरता और हरिसार की हरियाणा की भाषा में नहीं। ओरिजिनल नाम क्या है? भरता। भरता भरता वै भवन वाला। अच्छा अच्छा ये बात है क्या? तो कैसे बनाते हो आप? तो यहाँ तो देखने दे नहीं दे नॉर्मल मतलब बताते हैं दो बैंगन नॉर्मल साइज के लिए हमने पहले उसको बोल ली है। किसमें? गैस पे। तेल में या नहीं? नहीं उसको सीधा गैस पे खड़े होके बोल ली है आज पे सीधा ही। गैस लगे खड़े करके उसको भून लिए, उसके बाद उसका छिलका उतार दिया, फिर उसके बाद उसको वॉश कर दिया। अब धोने के बाद में इसमें हम ऐसे देखते भी कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। अच्छा अब देख लिए इसमें कोई कीड़ा नहीं है। उसके बाद में ये अपना प्याज टमाटर तैयार हो गया है, पेस्ट तैयार हो गया है। प्याज टमाटर का आप वही रूटीन वाला नॉर्मल मसाला डालेंगे आप। अच्छा अच्छा तो जैसे वही स्वाद अनुसार नमक और इसमें हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। ये देखो धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और डालेंगे हम। अच्छा और ये थोड़ी सी लाल मिर्च, लाल मिर्च और थोड़ा सा स्वाद बढ़ाने के लिए इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन। नहीं किचन किंग। किचन किंग। किचन किंग एक ऐसी चीज है सब सब्जी में डलता है। अच्छा ये बात है क्या? हाँ ये थोड़ा चटपटा बना देता है। अच्छा ये बात है क्या? हाँ ये देखो ये मसाला हो गया अपना तैयार। बाकी भाई आप यो कौन खाएगा बैंगन बूंगन की सब्जी में तो बहुत कम खाया हूँ। बाकी आज भाई कुटना जरूरी है, कुंडी हो तो कुंडी में उससे कर लो। अच्छा अच्छा सब छोटे से। हाँ अब देखो हम इसमें डालेंगे इसको। अच्छा सीधा सीधा ही। हाँ पहले भूनने के बाद छील के इसको धोते हैं। अच्छा इसके बाद इसको मसाला तैयार कर लिया हमने। हाँ। ये देखो ये बैंगन का भरता तैयार तैयार हो गया। अच्छा जी भूनने के बाद हम मैक्सिमम 10 मिनट लगते हैं। अच्छा मतलब एक स्पेशल डिश है ये, कैसी भी शादी वगैरह में भी जल्द यूज होती है। हाँ हाँ। और मतलब इसके साथ तंदूर की रोटी हो तो और भी ज्यादा बढ़िया लगता है। इसमें और कुछ भी डाल सकते हैं क्या? डालने को इसमें मतलब भी मसाले ही है, हरा धनिया वगैरह और थोड़ा सा मान लो भी ज्यादा चटपटा हो तीखा हो गया नहीं खाया जा रहा तो उसको लाइट करने के लिए हम एक चम्मच देसी घी डाल देंगे। देसी घी। हाँ इसमें पानी को नहीं डालते? पानी नहीं डालता जिसमें। पानी तो खुद ही छोड़ता है। हाँ खुद ही छोड़ता है। मिलते हैं फिर कभी, आज हम शाम को तो जाएंगे घर, शाम को तो हम दिखा नहीं पाएंगे, फिर आएंगे तो आप आपने देखे भी होंगे, आपने कमेंट एक दो रिप्लाई भी किए। मैंने देख ली पनीर प्याज वाली देखी थी उसमें। हाँ। करे थे मैंने। हाँ। ये थे ना। हाँ। तो भाई ये सब्जी तैयार हो गई है और खाऊंगा खाना और ये सलाद और ये रोटी। और हमारे अवनीश भैया भी उठ चुके हैं। नमस्कार भैया। गुड
मॉर्निंग भाई। और उठ गए? उठ गए भाई। भाई आप इतना मत सोया करो। अरे यार भाई सोना पड़ा, नाइट नींद नींद ज्यादा आती है आपको? नींद तकड़ी वाली आती है। तो दिन में ड्यूटी हो तब भी इतनी आती है? दिन में कहा, फिर कहा रात, रात की नींद निकलती नहीं। 12 बजे सोएंगे तो सुबह को 7 बजे तक उठेंगे। रात 8 घंटे की नींद तो आवे है। रात की नींद निकलने मुश्किल होता है आदमी को, रहने के लिए 7-8 घंटे की नींद लेनी पड़ती है। अच्छा ये बात है, चलो कोई ना। राकेश भैया राम राम। आज घर जा रहे हो क्या? चलो ठीक है, मिलते हैं फिर कभी, बाय बाय। और हमारे पंकज भैया ने खाना सजा दिया, खाना खावा भाई। राम राम भाई, सारा ने शाम का बज चुका है, 4 या 5 बजे बज गया, 4 बज गया भाई। और कृष्ण आज थक चुके हैं, इनके लोग वालों को मेरे को मना, कोई मना हो तो बना लियो, नहीं टा करते हो तो उम्र तो मैं संभाले भाई। कृष्ण थक नो चुके हैं, कृष्ण ने आज कितने काम को भाई, मेरा तो मामो लगा परिवार में। और बंसी लाल जी थोड़ी तबीयत उनकी थोड़ी सी खराब है, तो अभी ये हॉस्पिटल जाके आया था, जाँच वो सब आई बन की खून की ना जाँच वूच करवाई है, तो थोड़ी देर में रिपोर्ट आओ, क्योंकि बाद में कोई डॉक्टर दवाई देखो ना देख सक के। तो आज जो मैं थाली मोर चौक ऊपर चर्चा करा बैठे हैं भाई, हमें सारा ठीक है, खुश हैं, आशा है भाई आप भी अपने अपने घर में अपने परिवार के साथ खुश होगा। तो कल कुछ कमेंट आ रहा था भाई, तो कृष्ण ने कहा कमेंट का रिप्लाई था हमें खुद दे दो, तो मैं 2-4 कमेंट का रिप्लाई दूँ। एक भाई कन पूछ रखे तो क्या आप चारों एक सागर हो के चारों कुवारा हो के? तो भाई सही बात है, मैं चारों कुवारा हाँ। हालांकि रेल के अंदर एक क्वार्टर जो एक ही बंदे का नाम हो है, पर फिलहाल क्वार्टर खाली को नहीं है, तो मैं चारों ने क्वार्टर दे रखे है। तो मैं चारों कुवारा हाँ, तुम्हारे भी कोई प्रॉब्लम को नहीं, टाइम पास हो जाए है, एक सागर रह लिया। और दूसरा कमेंट मनीष के बारे में दो भाई, तो मनीष के बारे में पूछ रखे तो कितना जना है, के करे हैं, कितना है, तो इनकी मैं बता दूँ भाई, ये दो भाई भाई हैं, एक इसका छोटा भाई है, वो पढ़ाई करा है, जो रेल के अंदर लाग रही है। भाड़ा की सगी कोई है को नहीं, फिलहाल ये दोनों कुवारा है, रिश्तों फिलहाल देख रहे हैं, ये 2-3 जगह देख रहे हैं, लेकिन उनका भी फिलहाल जची को नहीं है, कोई डंकी छोरी हो, बढ़िया पढ़ाई लिखाई में होशियार हो, ठीक हो, तो उनके रिश्तों कर लेगा, कोई दिक्कत को नहीं है, तो आप कमेंट करके बता दियो। ये उनके बाबू छोरो है, तो प्रमोशन करने लग जाए रिश्ता में। भाई मैं प्रमोशन कौन कर रही हूँ, मैं सिर्फ कमेंट को रिप्लाई दे रही हूँ। भाई काम तो ठीक है, घर बसा यार, मैं घर बसा रही हूँ भाई, काम उजाड़। दूसरी बात, काल की भाई चाक ऊपर लड़ाई होगी थी थोड़ी सी, मनीष चाक बना की दी थी, टोपे टापे फेंक दिया था, टोपे टापे भी टूट चुके हैं, टोपे नहीं लेके आये हूँ, फिर आज फिर लड़ाई हो आ रही है, फिर मैं सोचा था मैं ही बना दूँ, चाय पी लो भाई, चाय मैं बना के लेके आया हूँ, क्या किसी बड़े एक नंबर की स्वादिष्ट बात मेरी। हाँ तो क्या नाम है, मैं 2-1 साल से कराऊं बोली। अच्छा ये बात है, मनीष मनीष भाई एक डिमांड रखी कि 2-4 साल क्या कहूँ, तो एक बार जो रिश्ता है करियो सी। एक बार थोड़ी सी सीता रखियो, जो ही भैया को जी करो रिश्ता रास्ता कराने ब्याह कराने, तो दोबारा किसान आ जाओ, बड़ा दोबारा चर्चा होगी, दोबारा चर्चा कराना, तो चल रहे और रिपोर्ट रिपोर्ट आज थोड़ी देर में चला जाएगा। यो भाई थे नए नए लगा, यो भाई है मनीष के बुआ का लड़को, जो आज आए यहाँ की साड़ी को कोई शादी शुद्धी है, तो ये और शॉपिंग करना है, कोई कपड़ा कपड़ा लेना है आपका, जन शॉपिंग करनी है, बाजे हो भाई शॉपिंग करो आपकी साड़ी का ब्याह। और हमारे भैया नहीं भाई अवनीश और बेरो ये सुते है, आप सुन दो भाई शॉपिंग करने का नहीं, आज आप पेमेंट कर दे, पेमेंट पेमेंट भी करो भाई, साड़ी का ब्याह पेमेंट खर्चा लगा हो भाई, मम्मी तो रंडा है, साड़ी का ब्याह सीधी सी बात है भाई, जो साड़ी का ब्याह होगा तो मैं खर्चा लगा वो ये सब फेंकना पड़ेगा, और नाचा कुद्दी भी करो, सारा काम करे वो एंजॉय करे वो, बढ़िया भाई को कहता है कभी कहता है शादी है, तो साड़ा को भी हो सके आज पहली बार ब्लॉग बनाया, वो भी कैसे थक लियो भाई, बोलिए मैं ब्लॉग ब्लॉग छोड़ दिया, बढ़िया बढ़िया कमेंट भी करना भाई, पंकज किसो वीडियो बनाया, बाकी मन तो नहीं लागे नहीं था, बहुत बढ़िया ब्लॉग, थोड़ी सी बोली मेरी की फास्ट है, तो थोड़ा कम बड़ा है, कम बड़ा है, और पैसा ज्यादा ले को नहीं, वो भाई सामान हमारा खुद को है, और 1000 पर बंदा का वो चार्ज करे एक महीने का, खानो बढ़िया बनाओ मस्त बंदो है, कोई दिक्कत को नहीं, जो भी कहा वो खानो बना के दे दिया, हर प्रकार वो खाना बनाना बहुत टेस्टी खाना बनाना, कोई एटीट्यूड को नहीं, बिल्कुल सिंपल बंदा, कई जगह जाए भाई वो यहाँ नहीं, मतलब यहाँ भी आता है 5-7 जगह क्वार्टरों में और भी जाता है, एक दो पीजी पाजी में भी खाना बना के आता है, ये चक्कर उसका। और बाकी अवनीश भी बहुत अच्छा खाना बनाता है, पहले यही खाना बना के देता था, मतलब वैसे नहीं बना के देता था पैसे में, वैसे ही भाईचारे में बनाता था, हम साथ मिलके बनाते थे, लेकिन हमारी रोज लड़ाई होती थी, तो फिर ये डिसीजन लिया गया कि भाई कोई ना कोई कुक लगाना पड़ेगा,
तो अब ये 4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगने लगे। सुरेश ने भी पूछे कि अपने बारे और सुरेश भाई अपने बारे में कुछ बताइए आप क्या करते हो आप। सुरेश भाई बीटेक कर रखी है अभी की पैकेज कितना सिविल इंजीनियर साइट इंजीनियर है भाई 5 लाख को सालाना को पैकेज दी है अभी ज्वाइन करिए सरकारी नौकरी में नंबर कौन पड़े तो लेकिन मैंने थी बंदो है बीटेक कर रखी है मार से ज्यादा कमा रहे भाई फिलहाल तो ये बात है भाई को रिश्तों की बात होगी भाई को रिश्तों और जो भाई की लुवाई है मतलब जो भाभी हमारी वो राजगढ़ की है हमारे पास की है तो भाई को कोई चक्कर कोई नहीं शादी शुदी को घर पुराना को कोई चक्कर नहीं है सुन तो कौन है यो डायलॉग मारा है भाई और मजा ले जाए नीचे पॉइंट ही सतगड़ा मारा भाई हो यो सुधी सिंपली घना कर लिए आप चालने की तैयारी सेती बंसी रिपोर्ट रिपोर्ट आई है बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट आई है कोई दिक्कत वाली बात को नहीं बैम करा के बंसी यार मैं कहता सुबह आई थी कहती फिर इतना आज तो चेहरे तो बीमार हो उसके गए बैम करा के पैकिंग कर ली है चले गया ठीक है भाई राम राम मानियो मित्रों राम राम भाई सलाम ओके मिलेंगे तो मन छोड़े यार मेरे को बैग बाग सामान हो रही है थोड़ा तैयार है सब ले रखे भाई फिर थैंक यू यार दिल से थैंक यू लव यू भाई मनीष ये भाई ने भाई शॉपिंग करा के लिया शॉपिंग करा के लेनी बढ़िया भाई साहब हम मिला रहे हो सरकारी नौकरी ठीक है ने हाँ थारो कौन बिगड़े कि मी सरकार ने खा गया था मी चलो भाई मिलाऊंगा थोड़ी देर बाद में घर चाल के आज थारा घर का मिला ही दिया बहुत दिन हो गया घर का भी ना जी कौन लाग रही जी कौन लाग रही जी तो मेरे ही कौन लाग रहे भाई आज घर चाल के मिलाऊंगा जी जी लाग वो चलो तो भी ठीक है ब्रो बाय बाय ये देखो भाई कितना बैग ले रखे रे कि बंसी की भी शॉपिंग कराने बाद हम दिखाई को नहीं बा घर चाल के दिखा तो भाई पूछा घर और टाइम हो गया भाई 7 बज गया पूरा 7 बजे घर पूछा और पूरा गिरा रखे भाई मैंने तो पहले तो ये घर देख लियो यहाँ जहाँ एंट्री की है वहाँ पर हमें मिले पूरे पूरा गया भाई ले मैं पकड़ लियो ज्यादा तो पहले तो आपने राम राम कर लिया राम राम सारा ये सामान तो बाद में ले लिए पकड़ ले यार भाई छोटो भाई बदल लग अच्छा अच्छा ले खाना हम कौन सा मैंने बताया खान खून को किमी को ले हमें तो ये वे हमारी माता से मिल लीजिए पहले तो सारा गुप्ता बदन तरफ राम राम क्या कौन सी तरफ हो सारा ने मेरी तरफ राम राम हां ले मैं आशीर्वाद दे दे जब अब्बे की माता की दे मैं घर पूछूं बहुत मुश्किल आऊं राम राम दादी राम राम भाई हैं हां के ले दादी आशीर्वाद दे दे ये सारा कई बार नहीं होगा तेरी दादी तू पैर को चुटकारा चुटकार लिया बब्बा ही देता है और हमारे फादर साहब कहाँ गए हुए हैं अच्छा और तबीयत पानी ठीक है कई दिन हो गया घर आऊँ घर का कौन मिला घर का कौन मिला तो सामान दिखाओ था के कुछ लिया रखे हुए मैंने और मेरी माँ खुश होगी क्या बात खुश कुकर हो रही है सामान मैं क्यों ले और के काम ला रहे है खाने क्यों ले रोटी पोले खा ले के बना रखे आज ये आइटम से रखे अच्छा मेरे खातर स्पेशल दाल बनाई हूँ खातर थारो बहुत बहुत धन्यवाद और इब थाना मैं दिखा दूँ घणों का आइटम तो कौन ले मैं सामान देखो पहले तो एडजस्टमेंट करके लें क्योंकि मैं एक ही बैग ले गए हो फिर यो बैग हो गयो एक बंसी को और एक यो अपनो हो गयो तो ये एडजस्टमेंट करके थाना मैं दिखा दूँ के कुछ है तो एम तो ले यार खाने यार मन मेरो केड़ा है केड़ा है ये और एम बंसी का कपड़ा है जो शॉपिंग करा के लेवा दिखा दूँ थाना के कुछ है और यो पुराना कपड़ा है आपा जो ले गया था और एम नई आइटम है और खाना खाना काट ली बंदा ये ले समोसा तो ले चीज ले मिठो लेवा और ये लवर है यह लवर तो दिखाई थी जो मैं ले गया था खरीद के ले गया था आया और भाई यो सामान है मैंने तो यो कौन दिखाई था एम के एम है दादी का आइटम दादी के लिए लेकर आए हैं स्पेशल आइटम तो भाई वे एक दो दिन में कराऊंगा दादी को ट्रीटमेंट है तो वो सामान लेके आया हूँ मैं ये देखो कौन ये देखो भाई ये दादी का है दो ग्लूकोज चढ़वाऊंगा वो ट्रीटमेंट है सारो
यो लिया दियो है क्योंकि दादी ने मतलब गाड़ी की सर्विस कराई कराने तो उतना साल में एक बार दादी की सर्विस करानी पड़े तो एक बार यह सर्विस हो जाए डिंगतरिया यो पूरा ट्रीटमेंट है मैंने गोली गाली टिक्का टक्का सब पावरफुल है मतलब गुड आदमी खातर स्पेशल हो ये चीज़ तो वह आइटम है ये शॉपिंग शॉपिंग करा के लेके आए थे ये देखो भाई ये बंसी की शर्ट है नुई नुई और ये बंसी की रिपोर्ट ये थोड़ी गोली है और यह एक टी शर्ट और एक यह टी शर्ट और एक यह लोअर बंसी की और एक यह बंसी की पैंट क्योंकि बंसी का आ रहे हो एक 9-10 तारीख ने ब्याह तो खतर थोड़ी शॉपिंग करा के ले आया हूँ बंसी ने मुंशी बोले छेती शॉपिंग में जगीर छेती और ये भाई ले तेरी डिमांड थी कि मन चप्पल लेके दिए और ये तो घनी भारे है ये कौन सी कंपनी है ये मनना नहीं कौन मेरा भारी हल्की कौन मैं तन देख के बताई थी ले ये और ले ठीक है और माँ सही है चा अपना नारी का और ठीक है और जमा मन याद युद्ध कौन करे थाने याद हम कैम करा तू कौन करे जमा ना तो थोड़ा मोटो कर लियो थाने यार ना के होई बात है जमा ही और दादी ते भी याद कौन करे मन तो रोज कर लेगे जदी मन ठीक आए करदी तू याद करी करदी के चलो फिर तो ठीक है चावण आगे चलो चाय पीते हैं दोस्तों और टाइम हो गया 7:05 तो अब टाइम हो गया 8 बज गया और नहाए धोई लिए कर और काका श्री आए हुए हैं राधा स्वामी और बढ़िया थम दो तारीख ने जाना ही कौन है 8 ने जावा वो पोस्टपोंड कर दी आगे डेट अच्छा डेट आगे कर दी 8 तारीख ने चलो फिर तो ठीक जाना जाओ दादी हो और तबीयत पानी बढ़िया क्या हाल है उधर हल्ला गया जम्मा फिर ठीक है ले रोट पोलेर खा लेर सो जावा भैया यो काम है मेरे दादी ने माड़ी कर दी थमी मेरे के लोग हैं के समोसा बाद चोर की तो लंगोटो ही अच्छे हुए स्वाद जो बात होगी वो बताई जाएगी कौन का कि मिल जाए वो ठीक हो है नया रिचार नहीं करना चाहिए तो भाई आज बना रखी है दाल इतनी दाल को हरिया राबड़ी भाई और ये आपने देसी खाना जो खाए ग्राम वही डाली बढ़िया मेरी माता बना रही है खाना मन क्योंकि चलो तो ये खानो खा लिया भाई फिर मिलांगा थारो अंकल बाण जा रहे हैं आवाज मिली है तो वह टेम हो गया 9:15 और ये मना लियो जूस ये देखो और ये तो थाना दिखा दूँ आज कल तो 10 दिन देख लो भाई दादी आपकी खाट पे सेटलमेंट होगी होगी ना चलो अब माता श्री की बारी है ये ये हमारी माता देख रही है साथ में वो लोग और रख डाउन ही रखिए भैया सारे खट के सारे चलो भाई थर अंकल मिला दी थोड़े और अंकित तो जा रही है बांधने हुए पड़ोस में अच्छा करो आगे यू के वाला क्यों ये ये अच्छी को नहीं नहीं करना हम गनी का लड़ी ये कुंडल तला लगे नहीं है उस अच्छा ये बात है अपने ऐसी तो लग रही है ऐसी लग रही हो ना ऐसी में क्या सुना कुने आवाज कुने उनमें भी सुनना आ रही है उनमें आवाज आवाज अच्छा ये बात है क्या चलो 4-5 दिन में उस पर किसको गए हो मेरे तो सही है हम बताओ क्या करे 4-5 दिन में चलो सही है बना रहा था सही है गुड नाइट गुड नाइट चलो जूस पियो कल मिलाऊंगा और दादी किसो बन रही है बड़ी बन रही है एक नंबर हो गए चलो भाई आज थाने घर का मिला दिया बाकी घर वाला के काम करियो के नहीं करियो बाकी मेरी मैं उरे नहर के कुछ होयो तो मिलाऊं एक तड़का है व्लॉग में अगर काम कर दादी तो काट दे रही है चलो सही है तो अगर आज को व्लॉग थाने पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर दियो मिला ही थारो एक नए व्लॉग का सिटी और जूस पीनो है तो आ जाओ भाई और सारन मेरी तरफ राम 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 भाई जूस पियो तू जाओ आ जाओ भाई।